दोस्तों प्रेशर में आके स्कॉडा ने एक ऐसा फैसला किया है जो कि आज मैं बोलता हूँ बहुत ऐतिहासिक हो सकता है उसका कारण क्या है? प्रेशर में इसलिए बिकॉज हुंडई वर्ना 160 BHP के साथ आ रही है और 1.4 जो है वो 1.5 बहुत जल्दी होने वाला है, क्रेटा और बाकी जो सेल्टॉस वगैरह जो गाड़ियाँ हैं इनमें। तो कुशाक एंड स्लाविया दे डेफिनेटली आर फीलिंग द हीट ऑलरेडी। हुंडई की जो प्रेजेंस है वो स्कॉडा से बेहतर है और उनकी जो सर्विस कॉस्ट भी हैं वो भी सर्विस कॉस्ट या आफ्टर सेल सर्विस उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि मैनी पीपल कंसिडर हुंडई एंड मारुति बट दे डोंट इवन लुक एट स्कॉडा VW। बहुत कम लोग हैं और जब वो रिसर्च करने भी निकलते हैं तो कुछ कमियाँ ऐसी निकल के आई गाड़ियों में जिसके कारण ये कार्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा था। बट हाँ, एक और चीज़ 1.0 को लेके 1.0 TSI को लेके मार्केट में एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि अंडर पावर इंजन है, हिली एरियाज़ में थोड़ा सा अंडर पावर है, जो कि अफवाहें थी। बिकॉज 1.5 भी अगर आप चला लेंगे नेचुरली एस्पिरेटेड तो उसमें भी 1.0 वाली बात नहीं है। 1750 में आपको 175 NM का टॉर्क जो है वो मिलता है, जबकि जो बाकी गाड़ियाँ होती हैं नेचुरली एस्पिरेटेड उनमें 4500 RPM पे जाके आपको पीक टॉर्क मिलता है। जिस पे आज मैं बात करना चाहता हूँ यार, मतलब आई विल से दे हैव पुल्ड आउट अ रैबिट आउट ऑफ द हैट, बिकॉज 1.5 TSI जो मैं बोलूँगा कि मार्केट में 25 लाख से नीचे सबसे अच्छे अगर कोई पेट्रोल इंजन्स हैं वो दो इंजन्स हैं, एक तो 1.5 TSI स्कॉडा VW वाला 4-सिलेंडर टर्बो इंजन 250 NM का टॉर्क और 150 BHP। दूसरा जो एम स्टैलियन इंजन है XUV700 में जाता है, बट दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव क्योंकि वो गाड़ी एक सेगमेंट ऊपर बैठती है। तो आज अच्छा क्या किया है स्कॉडा ने, उन्होंने एम्बिशन वेरिएंट में, मिड वेरिएंट में आपको कुशाक में और स्लाविया में सिर्फ 14.99 lakhs और स्लाविया में 14.94, मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन 1.5 आपको एम्बिशन में अभी मिलना शुरू हो जाएगा, विच इज़ आल्सो एक्सीलेंट मूव। बिकॉज जिनको इस चीज़ की समझ है ना कि 1.5 क्या चीज़ है वो ये समझ सकते, और जिनको समझ नहीं है, जिनको स्कॉडा VW कंसीडर भी नहीं करनी, वो आई डोंट नो कि आप ये वीडियो देख भी क्यों रहे हो, आपको देखनी नहीं चाहिए वीडियो, यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन बाय समथिंग एल्स। अच्छी चीज़, एक और चीज़ 80 में जिसमें आपको 7-speed डुअल क्लच ट्रांसमिशन, क्योंकि इससे अच्छा गियर बॉक्स नहीं हो सकता ड्राई क्लच में, डुअल क्लच में सॉरी, वो 16.79 lakhs में है कुशाक का और 16.24 lakh 24 hazar में आपको आज की डेट में 1.5 TSI 4-cylinder और 7-speed DSG गेयरबॉक्स अगर मिल रहा है तो इससे अच्छी डील नहीं हो सकती स्कॉडा स्लेविया जैसी गाड़ी में। आई से कि ये बहुत ही अच्छा मूव है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉडा को मार्केट करना चाहिए। हालांकि कल तो बहुत ही हास्यास्पद दिन था, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा उस पर शॉर्ट, जो ऑनिक्स इन्होंने निकाली है स्कॉडा कुशाक, मतलब स्कॉडा वाले अगर ये सुन रहे हैं तो आई कैन अश्योर यू गाइज कि आपके अंदर स्लीपर सेल्स हैं जो आपके ब्रांड का मजाक उतारने में तुले हुए हैं। लगता है किसी ने इंस्पायर हुआ है बाथरूम टाइल्स से या पर्दों पे, टाइल्स पर्दों से इंस्पायर होके वो आपने डेकल्स जो हैं वो दिए हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, पहले ही आपका जो मोंटे कार्लो के जो रेड सीट्स हैं ना वो डजंट लुक गुड। आपके मोंटे कार्लो रैपिड की एक क्लास थी ब्लैक सीट्स, उस पर रेड स्टिचिंग, ये मोंटे कार्लो की रेड सीट्स बहुत ही बुरी लगती हैं, हालांकि गाड़ी इज़ ओके। तो कल ऑनिक्स ने मूड ख़राब किया लेकिन आज ये एम्बिशन वाली चीज़ ने मूड जो है वो ठीक किया, 15 lakh और 16.79 lakhs में ऑटोमेटिक, और स्कॉडा स्लाविया जो है दैट इज़ जस्ट 16.24 फॉर ऑटोमेटिक। तो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन मेड इन हेवन। जो भी अगर आप गाड़ी लोगे यू शुड परचेज एक्सटेंडेड वारंटी फॉर 6 years, वो मस्ट है अगर आप खास करके ऑटोमेटिक ले रहे हो तो। और इसकी गाड़ी की एवरेज भी काफ़ी अच्छी है, 11-13 के आसपास सिटी में देगी। AC का भी इसमें कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि इंजन बड़ा है, 1600 RPM में आपको पीक टॉक मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी होने के कारण जब आप सही थोड़ा सा एक पंजा कम दबा के गाड़ी चलाते हो तो दो सिलेंडर जो डीएक्टिवेट होते हैं तो उसमें माइलेज काफ़ी अच्छी 20+ माइलेज आपको हाईवेज में मिलती है, और RPM भी सिर्फ 1600-1700 रहते हैं और स्पीड आपकी होती है 90, 100, 120, 1800 RPM पे। तो इससे अच्छी गाड़ी नहीं है बेसिकली, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। आपकी कमांड है तो आपसे बंदा आगे निकल सकता है, अगर आप नहीं चाहते वो बंदा ना निकले आपसे आगे नहीं निकल सकता वो 1.5 TSI में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये इंजन काफ़ी रिलायबल है, अभी तक इसमें कोई नोन इश्यूज़ नहीं है और काफ़ी पार्ट्स इसके जो हैं वो सीधा जर्मनी से आते हैं, सॉरी यूरोप से आते हैं, तो वी कैन रिलाई ऑन दिस इंजन ऑल्सो। तो इफ़ यू हैव अ बजट अंडर 20 lakhs एंड इफ़ यू वॉन्ट अ पावरफुल कार विद गुड हैंडलिंग, गुड बिल्ड, 5-star सेफ्टी, तो दीज टू शुड बी योर कार्स।